लोकसभा चुनाव में भी और लगभग काफ़ी लंबे समय से मेरी बात में एक चुनावी मुद्दा रहा था लाइसेंस का। तो जिस प्रकार मनोहर सरकार ने उसको मेवात के लोगों के लिए 20,000 लाइसेंस बनाने का वादा किया है और कहा है कि जो शैक्षणिक योग्यता उसको हमने हटा दिया है और मेवात के लाइसेंस बढ़ेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता हटाने की बात है या 20,000 लाइसेंसेज मेवात के लोगों के लिए बनाने की बात है, तो मैं उस चीज़ का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक अनुरोध भी करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने इसके साथ में बहुत अधिक कठिन शर्तें लगा के रखी हैं और एक लंबी प्रक्रिया लाइसेंस को बनाने के लिए रखी है, और मुझे नहीं लगता कि उन शर्तों के कारण जो लाइसेंसेज हैं वो अगले 3-4 महीने में बन पाएंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है, इन कठिन शर्तों की वजह से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल और केवल इलेक्शन में एक अपना बेनिफिट लेने के लिए फ़िलहाल इसकी घोषणा की गई है। अन्यथा आप देखेंगे तो 11 महीने का एक प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया, ट्रेनिंग वगैरह, उसको पूरा करने के बाद ही लाइसेंस बनाने के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है तो जो शर्तें हैं इसके साथ रखी हैं उनको जो है कम किया जाए। अगर देखा जाए तो मेवात के लगभग सभी पार्टियों के नेता सिरे ले रहे हैं कि लाइसेंस का मुद्दा हमने उठाया था, चाहे वो इनोलो से जाकिर हुसैन रहे हों, चाहे बीजेपी के सारे छोटे मोटे नेता रहे हों, लेकिन आपने भी, हमने देखा था, आपने भी बहुत पहले मुद्दा उठाया था लाइसेंस का हो चाहे यूनिवर्सिटी का, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आपकी मांग मानी गई थी? देखिए, ये मैं नहीं मानता कि ये मेरी मांग थी, ये आम आदमी की मांग थी, और हमने ऑल इंडिया मेयर सभा के बैनर तले जिसकी स्थापना मरहूम चौधरी रहीम खान साहब ने की थी, और उनका मकसद ही ये था कि मेवात के लोगों की आवाज़ को उचित जगह पर रखा जा सके। तो उसी बैनर के तहत हमने मेवात की आम जनता की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक, गली से लेकर संसद तक, विधानसभा तक पहुंचाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है तो वो उसका जो श्रेय है वो मेवात की सारी जनता को, आम आदमी को जाता है, ना कि मुझे। अगर देखा जाए तो फिर भी वही बात दोबारा से वही प्रश्न बनता है कि पार्टी लेवल पर, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे इनएलए को हों, चाहे बीजेपी को, तो वो अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को दे रहे हैं, और कुछ लोगों में, नेताओं में बयानबाजी भी आ रही है, टकराव भी देखने को मिल रहा है, कहीं इस टकराव में आप भी हो? देखिए, इस नहीं, मैं बिल्कुल इस टकराव में नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल साफ तौर पर मना करता हूँ कि मुझे श्रेय की ज़रूरत नहीं है, मैं आम जनता के साथ हूँ। बल्कि इसके लिए आम मेवात की जो आम जनता है वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने पहली बार किसी मुद्दे को इस तरह से उठाया कि नेताओं को संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए भी मेवात की जनता जो है वो बधाई की पात्र है, और किसी नेता विशेष को इसका कोई श्रेय नहीं जाता, इसका श्रेय जाता है तो जनता को जाता है। और जहाँ तक नेताओं की बात है, जो भी नेता अगर श्रेय लेने की बात करता है, तो अभी बहुत सारे मुद्दे हमारे बाकी हैं, चाहे वो अलवर गुड़गांव रोड का चौड़ा करने की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात हो, या जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की समस्या है, मेवात कैनाल की समस्या है, इन चीज़ों को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो वो बेहतर ये है कि वो श्रेय ना लेकर इन मुद्दों के लिए आगे लड़ाई लड़े।